हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बेस एग्जाम पेपर। दोस्तों आज बजवी जो 12वीं जमात के 20 तरीक थोड़े पेपर स्टार्ट हो जा रहे राजवी पंजाबी पेपर लैके आ चुके। ठीक है जी, लिखती पेपर तुम्हें पता ही 80 मार्क्स हो गए। तो अगे बदन तो पहले तुम्हें एक दस दिए कि अपना एक नेक्स्ट चैनल भी है, तुम्हें डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जूगा, जाकर सबसक्राइब भी कर दो। ठीक है, वो तो ब्लॉगिंग मिलेगा। तो मैं तो जो पेपर पूरी सॉल्व करूँगा, जो बच्चे चैनल पर नवे तो चैनल में भी सबसक्राइब कर लो। ठीक है जी, तो समा तुम्हें पता लग गया किन्ने देर है इस बार 3 घंटे, तो कुल मार्क्स हो गए 80, तुम देख सकते हो। तो एक मेरी गल एक होर, तो इन जर जो मटीरियल इन तुम टैलीग्राम चैनल पर मिल जूगा, वह भी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जूगा। ठीक है, जो नहीं मिलता तो रमेश एग्जाम पेपर सर्च करके सेम तुम्हें ज्वाइन कर लेना। ठीक है जी, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है जी, सो सुंदर लिखा जी तुम 5 अंक मिल जाएंगे। ठीक है जी, तो बस जो दूसरा प्रश्न कर बस 20% इन्होंने आंसर भी लिखे पे। ठीक है जी, इन्हों पी डी एफ भी तुम टैलीग्राम से मिल जूगा बाद च। ठीक है, हाँ जी, जिमें फस्ट क्वेश्चन है तो आ देखो एक जां दो शब्दों में उत्तर देना। ठीक है, फस्ट पहला प्रश्न है अपना देश कहानी दे किस एक पात्र का नाम है। सो इतना नरिंजर सिंह लिखा पाया, तो दे देना। दूसरा जी, दलीप कौर टिलवाणा की कौड़ी कहानी लाजमी पंजाबी 12वीं पाठ पुस्तक च शामिल है। सो यदा आ जाना राइट आंसर दोस्तों सत्या सिंह। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न छापड़ का मेला किस का यार बिच लगता है, याद बिच लगता। हाँ जी, कि याद बिच लगता, गुगे पीर दी। ठीक है, अगला हैगा जी इसतरे दे किसी दो लोक नाचा दे नाम लिखो। हाँ जी, गिद्धा सम्मी। ठीक है, इधर लिखा हुआ। अगला जी बगदे पानी ना दी कविता दे कवि कौन सन। सो डॉक्टर दीवान सिंह पाले पानी। ठीक है, बस इन्हें नोट कर लेना। सो अगे सारे आंसर वैसे सोल्व किए हुए। ठीक है जी, अगला नीली कहानी बिच गराबले दे चित्र का गुण केड़ा है। सो यदा आंसर तो चार ऑप्शन में आंसर तो राइट आंसर दिता होना, देख लें आप आंसर आ। हाँ जी, सस्ता ऑप्शन अपना राइट आंसर है। ठीक है, देख सकते हो इतने सस्ता ऑप्शन है दिता हुआ, तो सस्ता तुम ऑप्शन से टिक कर देना। ठीक है जी, आ रहा अपना सस्ता ऑप्शन व्यापारिक सुरुचि वाला। ठीक है, सो अगला जी अगला ज्योति केड़ी कहानी का मुख पात्र है। हाँ जी, केड़ी कहानी का मुख पात्र देख लेने दे आंसर इसका हैगा जी सैकंड का आंसर हैगा जी ईडी ऑप्शन का जा अपने घर जा अपने। हाँ जी, घर जा अपने वाला ईडी ऑप्शन अपना राइट आंसर सी। ठीक है, अगला जी ऋग्वेद दे समय पंजाब नू किस नाल जाने जाता। हाँ जी, ऋग्वेद पंजाब नू किस नाम के नाल जाने जाता सी, इधर मेरे ख्याल ना सपत सिंधु। ठीक है, सपत सिंधु इतने आ जाना ईडी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, अगला जी मनुख खेडन का गुण किसने भरया है। हाँ जी, किसने भरया है, यदा राइट आंसर आना जी कुदरत ने। कुदरत ने, मैं तेरे राइट आंसर मैं ऑप्शन नहीं पा रहा, वीडियो लेंथ ही ना हो। तो एक पेपर मैं किलो भी कहता डिपेंड ना रहे, क्योंकि पेपर कई सारे आ। ठीक है, मैं तुम मटीरियल तुम प्रोवाइड किया टैलीग्राम से जाके देख लियो। अगला है जी ताज महल कविता पढ़ के कवि दी हमदर्दी किस धीर नाल जपती है। हाँ जी, किस धीर नाल जपती है, सोसित धीर। सो एड ऑप्शन अपना राइट आंसर है तो लिखा भी हो। ठीक है, अगला ही कहानी दिता हुआ। ठीक है, की है हेठ लिखे सही गलत कथन चुनने आप। ठीक है, ज़्यादा व्डा है नहीं, थोड़ा टफ भी है नहीं, सो तुम ये भी कर सकते हो। कहानीकार प्रेम प्रकाश की पत्नी का रिक्शे वाले नाल झगड़ा किस झगड़ा इसलिए होया सी क्योंकि वह तय किए पैसे मंगता सी। सो ये गलत आ, अत लिखा भी हो पहले का आंसर गलत आ। सैकेंड है जी नीली दी बच्ची दी शकल नीली नीली पूरी पूरी नीली वर्गी सी। सो ये सही है। ठीक है, सैकेंड देखते हो तो सही है। थर्ड दी अंग्रेजी भाषा बेच सभ्याचार लई कल्चर शब्द वरत्या जाता है। हाँ जी, बिल्कुल सही है, तो तुसी सही से टिक कर दो। अगला है जी बाग दी कढ़ाई दी लोक कला विच विशेष स्थान नहीं है। है दोस्तों, इसलिए गलत है, इन्होंने कहा नहीं है, सो ये गलत आ जाना। ठीक है, पहला गलत सी, बाकी दो सही, चौथा गलत, पंजवा देख लेने, पंजवा सही है। वैसे पुराने पंजाब नू आवाजा कविता च कवि नू मनुखा दी पूजा दी थां ठीकड़ियां दी पूजा करन दा दुख है। हाँ जी, बिल्कुल सही है। सो अगे जी आ जाता अपना खाली थावां। ठीक है जी, खाली थावां जी पीकर दिते आंसर भी है कि नाल नाल, टेंशन दी कोई गल नहीं जी। मैं है खाली थावां पहला जी आप
ਆਪੇ ਮੈਂ ਰੱਜੀ ਪੁੱਜੀ ਆਪੇ ਮੇਰੇ ਡੈਸ ਜੀਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੱਸਣਾ, ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਣਾ ਜੀ ਬੱਚੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਜੀ, ਘੜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਸਾਰਾ ਡੈਸ ਤਾਇਆ, ਸੋਰੀ ਡੈਸ 'ਤੇ ਹੈ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜੀ ਟੱਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਟੱਬਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਜੀ। ਤੀਸਰਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਡੈਸ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਆ, ਘਟੀਆ ਵਧੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ, ਸੋਹਣਾ ਵਧੀਆ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਜੀ ਚੌਥਾ, ਡੈਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਰ ਤਾਜ ਲੋਕ ਨਾਚ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਗਿੱਧਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੋਕ ਨਾਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗਿੱਧਾ। ਪੰਜਵਾਂ ਜੀ, ਕਵਿਤਾ ਦੋਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਡੈਸ ਦੀ ਵਿੱਥ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਥ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਅਣਗਿਣਤ ਕਦਮਾਂ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਸੋਰੀ, ਅਣਗਿਣਤ ਨਹੀਂ ਕਦਮਾਂ, ਦੋ ਕਦਮਾਂ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਸੋਰੀ ਆਦਿ ਹੁਣ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੋ ਕਦਮਾਂ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਪੰਜ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਡਿਪੈਂਡ ਨਾ ਆਇਓ, ਲਿਖਣਾ ਵੈਸੇ ਦੋ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ, ਜਦ ਓਵਰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੀ ਪੱਖੋਂ ਨਕਲਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਆਨਸਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ, ਉੜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜੂਮ ਆਊਟ ਘੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਇੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਆ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਆ, ਐੜਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ, ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇੱਥੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਦੋ ਆਨਸਰ ਇੱਥੇ ਕਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ। ਤੋ ਬਾਕੀ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਥੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਰੋਕ ਲਿਓ ਭਾਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਹੀਆਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀਰੋ ਮੋਟਰਸ ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਏਜੰਸੀ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪੱਤਰ ਲਿਖੋ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਬੀਮਾ ਇੰਜਨ ਬਣਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਇੱਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾ, ਹਾਂਜੀ ਇੰਜਨ ਬਣਨ ਵਾਲਾ, ਆ ਉੱਪਰਲਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਚੌਥਾ ਜੋ ਉੱਪਰਲਾ ਜੜ ਆਵਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਜ ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵੈਸੇ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਵਲਾ, ਇਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਆਵਲਾ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਤੋਂ ਸੇਮ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੈਸੇ ਲਿਖਾਇਆ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ 224 ਬਾਗ ਵਾਲੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਰੋਡ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਫਸਰ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ, ਹਾਂਜੀ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ, ਸੋਰੀ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਲਿਖ ਕੇ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਦੇਣਾ, LIC ਦਾ ਏਜੰਟ ਬਣਨ ਲਈ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ BA ਪਾਸ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ ਦੇਣ, ਜਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਸਕਰੀਨਸ਼ੋਟ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੂੰਗਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀਡੀਓ ਲੈਂਥੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪੈਰੋ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸੰਖੇਪ ਰਚਨਾ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਆ, ਉੱਥੇ ਚਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਰਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਦੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਨਿਚੋੜ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਣੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਸੰਖੇਪ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਸਿਰਲੇਖ, ਸਿਰਲੇਖ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਦੋ ਨੰਬਰ। ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਸਿਰਲੇਖ ਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ 3 ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਖੇਪ ਰਚਨਾ। ਸਿਰਲੇਖ ਆਊਗਾ ਤਕੜੇ ਉਠਾਉਣਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕੜੇ ਉਠਾਉਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸੰਖੇਪ ਰਚਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸੰਖੇਪ ਰਚਨਾ ਇੱਦਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਉੱਪਰਲੋ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੰਖੇਪ ਰਚਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਆ, ਸੰਖੇਪ ਰਚਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
उम्मीद है तुम पढ़ लेना होना। तो उस तो बाद जी अपना आ जाता जी किसी एक शब्द कोश तत्व अनुसार। सो यदा दसना मेरी सही मिलान करना एक हिसाब न किन्ने है 3 नंबर का हैगा जी है ना। सो ये भी तुम चंगी तरह कर लेना ठीक है। आंसर तुम नीचे दिते हुए 6 से 6 आंसर ठीक है। कोई डाउट है तुम कमेंट करके ही पूछ लेना। उस तो बाद जी अपना आता जी इतने 7वां क्वेश्चन जिहड़ा कि वाकां विच किसी 3 वाकां दा ब्रैकेट में दित्ते गए निर्देश अनुसार वाक वटांतर। तो 3 नंबर का है तुम ये भी कर लेना। तुम चंगी तरह इन्हें देख लो। मेरी इच्छा है कि मैं अमीर होवांगा विशेष वाचक वाक। उड़े का आंसर दिता है काश मैं अमीर हुंदा ठीक है। तो कोई सोहना जिहा गीत सुनाओ। प्रश्न वाचक है कि तुसी कोई सोहना जिहा गीत सुनाओगे। अकॉर्डिंग तुसी देना जिथे जिहदे बारे पूछ रहे हो किस तरह तुसी वाक बनाना। तो इन्हां दे आंसर तुसी देख सकते हो सारे वैसे कोई 3 करने 3 दे आंसर कराए हुए उड़ा एड़ा ईडी थी ठीक है। बाकी तुसी मैं दस्या टैलीग्राम से जाके तो मिल सकते जी आंसर। अगला जी 8वां क्वेश्चन आ जाता हेठ लिखियां विचों किसी 3 नूं वाकां विच वरतो उन्हां दी वरतों दी स्थिति दसो। हाँ जी किसी 3 वाकां नूं वरतो 3 दे तुसी वरत देना। तो दिते हो तुसी चंगी तरह देख लियो तिना दे आंसर तुहानूं नीचे लभ जूगा। ईडी ससा हा इन्हां ने कराए हुए ते ईडी नूं चंगी तरह पढ़ लियो। ईडी ते नोट कर लो पहलो। उस तो बाद बाकी सारे तुसी याद करो मैं दस्या भी होया उस तो मैं टैलीग्राम तुहानूं भी दस दिता। इन्हें तुसी नोट कर लेना लॉकडाउन रोक लेना वीडियो नूं पढ़ लेना ठीक है। हाँ जी अगला 9वां प्रश्न है जी किसी एक कविता के केंद्रीय भाव लिखना। तो केंद्रीय भाव भी तुसी आ 3 दिते होने तुहानूं एक भी कर लेना। तुसी 3 याद करके जाइओ पेपर च कोई भी आ सकदा ठीक है। क्योंकि तुहानूं पता है कि बोर्ड एग्जाम के पेपर नहीं लीक होंदे बहुत घट चांसिस होंदा पेपर लीक हो जाए ठीक है। क्वेश्चन जरूर आते हैं लीक होने का चांसिस घट होंगे जो सारे पेपर यही आ जाए ठीक है जी। ये कहानी का सार लिखा हुआ केंद्रीय भाव। उस तो बाद जी अपना आ जाता उपर कर लीए थोड़ा कि व्डा केंद्रीय भाव। केंद्रीय भाव जी सॉरी सार 10वें प्रश्न तो आप केंद्रीय भाव तो करने बाद 10वां प्रश्न है जी कि सार लिखना कि अपना देश या घर जा अपने। सो अपना देश का इतने सार किया हो चंकी तरह इनू पढ़ लेना अपने बुक चो भी तुम या गाइड चो भी है गाइड चो भी पढ़ लेना इतों पढ़ लेना ठीक है। इन्ना पढ़ने तो बाद इतने तक पढ़ लेना इन भी पढ़ लेना ठीक है जी। सारे वीडियो रोक के तुम पढ़ लो ठीक है। ठीक है जी तुसी मैं कह गया दोनों ही तुसी पैरा पढ़ के जायो जी ठीक है। मैं हौली हौली तक उपर कर रहा ठीक है। सो लास्ट प्रश्न ही मेरे ख्याल ना 10 प्रश्न ही तुहानू आउणगे खत्म 10 प्रश्न भी तुहाडा हो जाएंगे पेपर सॉल्व। सो एक बार मैं तुम्हें फिर कह दिना कि जो अपना सैकंड चैनल तुम्हें लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जूगा तो सबसक्राइब कर लियो। तो इदा भी कर सकते रमेश KM ब्लॉग सर्च करके भी तुम ज्वाइन उन्होंने सबसक्राइब कर दियो ठीक है जी। उत्ते आप ब्लॉग पावे तो मिलते हैं नैक्सट वीडियो में चले बाय। तो जोड़े बच्चे हले भी चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो चैनल सबसक्राइब कर लो। तो टैलीग्राम चैनल भी सो टैलीग्राम चैनल तो भी देख सकते हो तो पेपर दो पाए एक नहीं दो पाए हुए पेपर ठीक है। तो शांति गैस पर पूरी मटीरियल पाया दिखा देना तुम्हें खोल के ये पूरा मटीरियल है पेपर स्ट्रक्चर किदा बन रहा किदा की सारा स्ट्रक्चर दिता हुआ ठीक है। थोड़ा ओपन होने का टाइम लगना 2 मिनट रखना थोड़ा मोल सो देख सो शांति गैस पेपर गैस ये मैक्सीमम चांसिस होंगे ये ही आऊगा पेपर स्ट्रक्चर ही दिता हुआ पेपर स्ट्रक्चर की लड़ ही नहीं अपना ठीक है। तुम इतने आकर चंकी तरह इन देख रहे हो ठीक है। तो सारे आंसर इतने कराए हुए चंकी तरह इन आकर रिविजन करो 48 पेज का है रिविजन कर लो एक बार पढ़ भी लो तो कुछ तो याद रहेगा ठीक है। सो चंकी तरह आकर इतने रिविजन करो जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तले बाय।